भाजपा की कद्दावर नेता और रतलाम झाबुआ सांसद दिलीप सिंह भूरिया को इंदौर के भाजपा कार्यकाल पर भाजपा नेताओं ने गुरुवार को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली से बुधवार रात दिलीप सिंह भूरिया का पार्थिव शरीर इंदौर लाया गया, जहां गुरुवार सुबह भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा के साथ ही भाजपा के कई दिग्गज नेता भूरिया को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। भाजपा नेताओं ने भूरिया के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और इसे पार्टी के लिए भी बड़ी क्षति बताया। भाजपा नेताओं का कहना था कि आदिवासी क्षेत्र में जिस तरह से दिलीप सिंह ने काम किया है वह कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। दिलीप सिंह जी भूरिया की आकस्मिक मृत्यु प्रदेश के लिए और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। वो शोषित पीड़ित विशेषकर आदिवासी लोगों के मसीहा के रूप में पहचाने जाते थे। लंबे समय तक सच्चे जनसेवक के रूप में वो काम कर रहे थे। उनमें जुझारूपन और जनहित के कामों को करने के लिए संघर्ष करने की क्षमता थी। 5 जून को मेरे विभाग की ओर से रतलाम में विकलांगों को उपकरण बांटने का एक कार्यक्रम था, उनकी अध्यक्षता में वो कार्यक्रम होने वाला था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो पता लगा कि उनको सीने में दर्द है और अस्पताल में भर्ती है। मैं, चेतन कश्यप जी वगैरह हम सब वहाँ हॉस्पिटल में गए। जब उनको देखा और उन्होंने हमको देखा तो उन्होंने कहा कि देखो थोड़ा सा दर्द हो रहा है, ये ज़बरदस्ती ले आए मेरे को, यहाँ अस्पताल में भर्ती करा दिया, गोली वोली खा लेते हैं और चलते हैं अपन, इतना अच्छा कार्यक्रम है और गरीबों के लोगों को उपकरण बांटने का काम कर रहे हैं तो अपन वहाँ चलते हैं। हमने जैसे तैसे उनको समझाया और वो वहाँ चिकित्साधीन रहे। बाद में डॉक्टरों की सलाह से इंदौर आए और इंदौर से फिर वेदांता दिल्ली में ले गए गुड़गांव में। 18-19 दिन तक उन्होंने मौत से संघर्ष किया, परंतु मौत की जीत हुई और मौत उनको हमारे बीच में से उठा ले गई। देखिए, ये अपूर्णीय क्षति है। दिलीप सिंह भूरिया का नाम आते ही है अपने आप आदमी सहज कह बैठता है कि वो आदिवासियों के मसीहा थे। अपना पूरा जीवन उन्होंने आदिवासियों के लिए और उन ठेठ आदिवासियों के लिए जो शरीर होते हुए भी गूंगे बहरे की तरह काम करते हैं, बेचारे रात दिन लगे रहते हैं, उनकी सेवा में लगे रहे और आज वो हमारे बीच में नहीं है। ये पूरे देश के, दिलीप सिंह भूरिया से मध्य प्रदेश के नेता नहीं थे, कौन नहीं जानता था उनको, गुजरात में, उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह। दिलीप सिंह जी ने भूरिया कमीशन के नाम से अपनी एक रिपोर्ट दी थी, वह भी अद्वितीय रिपोर्ट थी। इसलिए उनकी ये जो क्षति है वो अपूर्णीय क्षति है, वो भरपाई नहीं हो सकती। इस अवसर पर हम सभी उनके परिवार को सांत्वना प्रदान करने आए हैं और ईश्वर से प्रार्थना करने आए हैं कि मृतात्मा को शांति प्रदान करें। हम उनकी चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भाजपा के स्थानीय नेताओं ने भी दिलीप सिंह भूरिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। आदरणीय दिलीप सिंह भूरिया जी एक बहुत देश के माने हुए आदिवासी नेता थे और आदिवासी नहीं पूरे समाज के नेता। उन्होंने आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए संघर्ष किया जीवन भर और आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने, चाहे संसद में हो चाहे विधानसभा में हो, जहाँ जहाँ उनको जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने उनके लिए संघर्ष किया, उनको न्याय दिलाने के लिए प्रयास किया। पार्टी के लिए और समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को सांत्वना दे कि इस घड़ी में उनके साथ इन सब लोग हैं। पूरा भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक परिवार उनके साथ में है, पूरा देश उनके साथ में है। उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। बीजेपी के लिए तो नुकसान है ही, ये उस क्षेत्र के लिए और पूरे देश के वनवासी क्षेत्र के लिए एक बड़ा नुकसान है। आपको शायद कम लोगों को जानकारी है कि उन्होंने अपनी जो राजनीति शुरू की थी वो कांग्रेस विरोध से शुरू की थी। वे उस क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवक और समाजवादी नेता मामा बालेश्वर दयाल के शिष्य थे और 1967 में समाजवादी पार्टी और जनसंघ ने मिल के चुनाव लड़ा था, उसमें उन्होंने जमकर काम किया था। तो वो मूलतः कांग्रेसी विचारधारा के
विरोध से उन्होंने राजनीति शुरू की थी और वनवासियों की स्थिति ठीक हो उसके लिए उनका प्रारंभिक संस्कार मामा बालेश्वर दयाल जी ने, वो लगातार उसके लिए लगे रहे और देश में वनवासियों की उन्नति के लिए कानून बने, इसके लिए विभिन्न समितियों का उनको अध्यक्ष भी बनाया। भारतीय जनता पार्टी की जब अटल जी की सरकार थी तो आयोग का भी राष्ट्रीय चेयरमैन उन्हीं को बनाया था, इसलिए वे एक राष्ट्रीय नेता थे, क्षेत्र में उनका बड़ा प्रभाव था और एक अच्छे चिंतक थे। वनवासियों के पृथकतावाद से निकाल कर और कैसे समाज की मूलधारा में शामिल करके उनकी उन्नति की जाए, इस विचार के वे प्रबल समर्थक थे। देखिए, हमारे देश के और प्रदेश के एक बहुत बड़े हमारे नेता जिन्होंने पूरे आवाम के लिए और खास करके ट्राइबल क्षेत्र में वाके विकास के लिए दिन रात लगे रहे और एक बेदाग छवि के नेता हमारे जो हमारे बीच में से चले गए, निश्चित रूप से उनकी कमी पूरे देश में और खास करके मध्य प्रदेश में हमें खलेगी और उन क्षेत्रों में जो विकास से भी बहुत दूर है, माननीय दिलीप सिंह भूरिया उसके लिए सतत लगे रहते थे। मैं समझता हूँ उनका निधन भारतीय जनता पार्टी और आदिवासी क्षेत्र के लिए, ट्राइबल क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस मौके पर रतलाम विधायक चेतन कश्यप, जोबट विधायक नागर सिंह चौहान और विधायक सुदर्शन गुप्ता के अलावा गोविंद मालू, मधु वर्मा और रवि रावलिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी सांसद दिलीप सिंह भूरिया का पार्थिव शरीर झाबुआ होते हुए उनके गृह क्षेत्र माछलिया ले जाया जाएगा, जहां सुनार नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।